हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आदि गणेश। हमारी भक्ति काल के अंदर बात चल रही थी, सूफी काव्य धारा हमने कर लिया, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, राम भक्ति की ओर बढ़ते हैं, सगुण काव्य धारा की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि लाइक कमेंट कर दिया करो वीडियो पे, ताकि मुझे आपकी जो प्रतिक्रिया है उससे अवगत होने का सुअवसर प्राप्त हो सके, कि मुझे पता चल सके कि आपको जो मेरी कक्षाएं पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबा लें, ताकि नई वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे। आज हम बात करते हैं सगुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के अंदर भी राम भक्ति काव्य धारा के, इसके बाद में कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अब ये जो काव्य धारा है, सगुण काव्य धारा या यूं कहें राम भक्ति काव्य धारा, इसका संबंध किस किस से है, क्या क्या इसके आधार ग्रंथ है, कहां से राम भक्ति काव्य धारा का प्रारंभ होता है, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके आधार ग्रंथ की बात करते हैं, तो इसका राम भक्ति काव्य धारा का आधार ग्रंथ है वाल्मीकि कृत जो रामायण है, वही राम भक्ति साहित्य का क्या है, आधार ग्रंथ है। वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है वही राम भक्ति साहित्य क्या है, आधार ग्रंथ है। दक्षिण भारत में अगर हम भारत की स्थिति की बात करें कि भारत में राम भक्ति काव्य धारा का प्रचार प्रसार कहां, किसने कैसे किया, तो दक्षिण भारत में राम भक्ति का जो प्रचार प्रसार का काम है वो आलवारों ने किया था। आलवार जो संत थे उन्होंने दक्षिण भारत में राम भक्ति काव्य धारा का प्रचार प्रसार किया। और आलवारों में ही जो षटकोप हुए हैं उनको राम की चरण पादुका का अवतार माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों कि राम की चरण पादुका का अवतार आलवारों में किसको माना जाता है, तो वहां पर उत्तर होगा षटकोप। उत्तर भारत में प्रचार प्रसार का जो काम था वो किया था रामानंद ने। उत्तर भारत के अंदर प्रचार प्रसार का काम, या यूं कहें उत्तर भारत में इसके प्रवर्तक थे रामानंद। आगे हम बात करते हैं श्री संप्रदाय और जो ब्रह्म संप्रदाय है इनका संबंध किससे है, राम भक्ति से। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि श्री संप्रदाय और राम ब्रह्म संप्रदाय का संबंध कौन सी काव्य धारा से है, तो आप वहां पर करोगे राम भक्ति काव्य धारा से है। और इन्हीं में जो श्री संप्रदाय का जो दर्शन है, जो वाद है, वो है विशिष्टा द्वैतवाद। श्री संप्रदाय का जो दर्शन है वो है विशिष्टा द्वैतवाद, और वहीं ब्रह्म संप्रदाय का जो वाद या दर्शन है वो है द्वैतवाद। श्री संप्रदाय का तो हो गया विशिष्टा द्वैतवाद और ब्रह्म संप्रदाय का हो गया द्वैतवाद। आगे बढ़ें, कालिदास की जो रचना है, कालिदास कृत जो रचना है रघुवंश, और बहुभूति की जो रचना है उत्तर रामचरित, इनका जो संबंध है वो भी राम भक्ति से है। और ये दोनों के दोनों ग्रंथ हैं जो संस्कृत में रचित है, ये भी संस्कृत, कालिदास द्वारा रचित रघुवंश और बहुभूति कृत उत्तर रामचरित, इन दोनों का संबंध जो है राम भक्ति काव्य धारा से है। अपभ्रंश में जो स्वयंभू है उन्होंने रचना की थी पौम चरियु की, इसका संबंध भी राम भक्ति काव्य धारा से मिलता है। और श्री भाष्य और ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ है, जो रचना है, वो रामानुजाचार्य के द्वारा रचित है। शुक्रिया दोस्तों। आगे हम बात करेंगे राम भक्ति काव्य के धारा के अंदर जो प्रमुख रचनाकार हुए हैं और उनकी रचनाएं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पुनः धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।